हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने कुछ छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। राज्य में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले 24 घंटे के अंदर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। रामपुर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं बलिया, महोबा और ललितपुर में बिजली गिरने से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा सुल्तानपुर में सांप के काटने से 1 शख्स की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों की बात की जाए तो मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इसके बाद भी नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं बदायूं में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलंदशहर और फर्रुखाबाद में नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली है। इसके अलावा मथुरा जिले में माट इलाके के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। मथुरा और वृंदावन के निचले इलाकों में घरों और सड़कों पर पानी भर आया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 24 घंटे के अंदर 1.20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 32 जिलों में इस दौरान अत्यधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ बारिश के बीच जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर एली परसौली तटबंध और घाघरा नदी पर एल्गिन ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैनात किया गया है। हालांकि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण घाघरा और ताप्ती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आदित्यनाथ ने कहा कि नदियों का स्तर और बढ़ने की संभावना है। बाढ़ से बचाव के लिए सरकार की ओर से सभी एहतियाती इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के चारों तटबंधों एल्गिन, चरसंडी, भिखारीपुर, सकरौर, परसपुर, धौरहरा और भौरीगंज रिंग बांध की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने 28 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावें तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।